नमस्कार। इस वीडियो में हम कक्षा 8 गणित का अध्याय 4 प्रायोगिक ज्यामिति करेंगे। इसमें हम सीखेंगे कि यदि किसी चतुर्भुज की चार भुजाएं तथा एक विकर्ण दिया गया हो तो उसकी रचना कैसे करेंगे। इसके लिए हम प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न 1 का पहला भाग लेते हैं। प्रश्न इस प्रकार है, निम्नलिखित चतुर्भुज की रचना कीजिए। चतुर्भुज ABCD जिसमें AB 4.5 सेंटीमीटर, BC 5.5 सेंटीमीटर, CD 4 सेंटीमीटर, AD 6 सेंटीमीटर, AC 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर AB, BC, CD, AD चार भुजाएं दी गई हैं और AC एक विकर्ण दिया गया है। तो चतुर्भुज की रचना के लिए पहले हम इसकी एक कच्ची आकृति बनाएंगे और मापों को चिन्हित करेंगे। तो कच्ची आकृति बनाने के लिए ये एक हमने चतुर्भुज बना लिया, इसका नाम लिखे ABCD और AC को जोड़ देंगे। AC अब AB 4.5 सेंटीमीटर, BC 5.5 सेंटीमीटर, CD 4 सेंटीमीटर, AD 6 सेंटीमीटर और AC 7 सेंटीमीटर है। इस कच्ची आकृति से बड़ी आसानी से देखा जा सकता है कि SSS रचना कसौटी से त्रिभुज ABC की रचना की जा सकती है। इसके बाद A और C को केंद्र मानकर दो अलग अलग चाप लगाएंगे जो एक दूसरे को D बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे और इसके बाद AD CD को जोड़ लेंगे। तो इस तरह से ABCD चतुर्भुज तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले चतुर्भुज की रचना के लिए हम स्केल और प्रकार ले लेते हैं। ये हमारा स्केल हो गया और ये प्रकार हो गई। तो चतुर्भुज की रचना के लिए हम चरण एक में रेखाखंड AB 4.5 सेंटीमीटर खींचेंगे। ये 4.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड ले लिया, इसका नाम रख लेते हैं AB। AB 4.5 सेंटीमीटर। चरण दो में A को केंद्र मानकर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक चाप खींचेंगे। इसके लिए प्रकार को 7 सेंटीमीटर खोल लिया, A पर रखा और चाप लगा दी। चरण तीन में B को केंद्र मानकर 5.5 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक चाप खींचेंगे जो पिछली चाप को C बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। तो प्रकार को 5.5 सेंटीमीटर खोल लिया, B पर रखा और चाप लगा दी जो पिछली चाप को प्रतिच्छेद करेगी। जिस बिंदु पर दोनों चाप एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, इस बिंदु को हम नाम देंगे C। चरण चार में AC, BC को जोड़ लेंगे। ये हो गया AC और ये हो गया BC। BC 5.5 सेंटीमीटर, AC 7 सेंटीमीटर। तो ये त्रिभुज ABC बन गया। अब चरण पांच में A को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक चाप खींचेंगे। तो प्रकार को 6 सेंटीमीटर खोल लिया, A पर रखा और चाप लगा दी। चरण 6 में C को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक चाप खींचेंगे जो पिछली चाप को बिंदु D पर प्रतिच्छेद करेगी। ये प्रकार को 4 सेंटीमीटर खोल लिया, C पर रखा और चाप लगा दी जो पिछली चाप को प्रतिच्छेद कर रही है। जिस बिंदु पर दोनों चाप एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, इसका नाम रख लेंगे T। चरण 7 में AD तथा CD को जोड़ लेंगे। तो ये हो गया AD और ये हो गया CD। CD 4 सेंटीमीटर और AD 6 सेंटीमीटर। इस तरह से चतुर्भुज ABCD तैयार हो गया है। अब हम चतुर्भुज की रचना के चरण लिखेंगे। तो चरण एक है, AB 4.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचिए। चरण दो, A को केंद्र मानकर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक चाप खींचिए। चरण तीन, B को केंद्र मानकर 5.5 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक दूसरी चाप खींचिए जो पिछली चाप को बिंदु C पर प्रतिच्छेद करेगी। चरण 4, AC तथा BC को जोड़ लीजिए। चरण 5, A को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक चाप खींचिए। चरण 6, C को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक दूसरी चाप खींचिए जो पिछली चाप को बिंदु D पर प्रतिच्छेद करेगी। चरण 7, AD तथा CD को जोड़ लीजिए। अतः ABCD एक अभीष्ट चतुर्भुज है। अब कुछ गणितीय शब्दों का इंग्लिश में मतलब जान लेते हैं। चतुर्भुज मतलब क्वाड्रिलेटरल, रचना मतलब कंस्ट्रक्शन, चरण मतलब स्टेप्स, रेखाखंड मतलब लाइन सेगमेंट, त्रिज्या मतलब रेडियस, चाप का मतलब आर्क, अभीष्ट हो गया रिक्वायर्ड, प्रतिच्छेद हो गया इंटरसेक्ट, केंद्र हो गया सेंटर। धन्यवाद। अब ये असाइनमेंट करेंगे।